डकैतों ने एक और घर उजाड़ दिया, एक और दुल्हन डकैतों की शरण से कत्ल। अफसोसनाक वाकयात आए रोज पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। अवाम परेशान, लेकिन कानून के इदारे इस पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नज़र आते हैं। आज एक ऐसी ही अफसरदा, दिल रुला देने वाली कहानी जो पेश करने जा रहे हैं आपको, तो इसे सुने कि लवाहे कीन उस वारदात के बारे में क्या कहते हैं, उस बेटी का वालिद, उसकी माँ और रिश्तेदार अजीज ने क्या गुफ्तगू की और इंसाफ की क्या तवक्को लगाई। ये तमाम वकुआ सुने उन्हीं की ज़बान। असगर वैद हमारे नए सुनने वालों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। मजामत की दुकान वाले गला फड़न की कोशिश की, मजामत उन्होंने दुकान वाले फैर मारिया, फैर जरा दुकान वाले नहीं लगा, वह मैनू तो मेरी बेटी लगा, तो एक फैर जरा जो मेरी बेटी लगे तो मेरी बेटी जी मौके से जलना पसंद कर लो तो वापस ही आ, मैं थोड़ा पीछे रह गई, वो बाप बेटी आगे आ गए, वो दुध वाली दुकान पर खड़े हुए हैं, मैं घर आ गई हूँ, मुझे पता ही नहीं। पुलिस ने अजे तक कुछ भी नहीं किया, असं पहले घर दिया कोई जरूरी चीज़ा लैन वास्ते बाजार गए हैं, बाजार तो वापसी तो अं दुध वाले के कोल खलो गए घर के वा दुध लैन वास्ते, दुध वाले पैसे दिते ने और को बकाया हले लैना है, बकाया लिया नहीं थी, इन्नी देर च दो डाकू आ गए ने, उन्होंने आके फैर खोलता है दुकान वाले का गला खो के मोटरसाइकिल रख लिया, गला रख के तो ना मजामत की दुकान वाले गला फड़न की कोशिश की, मजामत उन्होंने दुकान वाले फैर मारिया, फैर जरा दुकान वाले नहीं लगा, वह मैनू तो मेरी बेटी लगा, तो एक फैर जरा जो मेरी बेटी लगे तो मेरी बेटी जी मौके से जलना, समझ लो ये तो मेरी वजीर आजम वजीर अला मरियम नवाज साहब आगे अपील है कि मैं इंसाफ चाहिए। तकरीबन 6 बजे का टाइम से अफतारी तो बाद जरा ना वकूआ होया, चीज़ा है वे कि मैं एक महीने बाद बेटी की शादी थी, बस इन्हें रुकन दे विच ही है काम हो गया, दुध वाले ने मजामत की, फिर उन्होंने दुध वाले मारिया तो लग सानू गए, होर लोग बस रस्ता चल रहा सी, सन्नाटा नहीं सी गा, रोड चल रहा वे रोज़ा, हाँ जी रोज़ा खुल गया तो रोड चल रहा है, तो दिन दिहाड़े तो यहोजे काम होने डेने साढ़े सदरे के समझो ये कच्चे का इलाका है, इतने कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, पुलिस ने अजे तक कुछ भी नहीं किया, नहीं जी सानू अजे तक कोई खबर नहीं मिली, यही कह गए कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ कदों मिलेगा। रंग मिल गए थी उसके वालियों ने कह रही थी से नाल लगाई हूँ कि पसंद कर ले तो वापस ही आते हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ, वो बाप बेटी आगे आ गए, वो दुध वाली दुकान पर खड़े हुए हैं, मैं घर आ गई हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, लेकिन लिहाजा सानू इंसाफ चाहिए। दोनों बाप बेटी हॉस्पिटल पहुँच गए, मेरे पैर चले जमीन निकल गए, मुझे कोई होश ना रही, कैसे पता फोन आया मेरे बेटे को कि बाप बेटी को फैर लग गए ने, वो हॉस्पिटल चले गए ने, उस वे बच्ची जी डेथ हो गई सी मौके पे, इंसाफ चाहिए। मरियम ने साहब आगे ये अपील है कि इंसाफ चाहिए, आया ना हमें, हम तो रोने पिटने लग गए, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हम फिर हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल लेके, हाँ जी सीधा उधर गए, बाइकों ने हमने नहीं बताया कि उसकी डेथ हो गई है, बेटी की डेथ हो गई है, बाइकों ने नहीं बताया, मैं बाइक को देख रोने लग गई, भाई कहता निका क्या क्या हाल है, मैं कह निका ठीक है, हमने नहीं बताया, हमने सुबह 4 बजे भाई को बताया जब उसकी लाश आनी थी इधर, फिर हमने भाई को बताया कि उसकी डेथ हो गई है, बेटा शुद्ध बुद्धि कोई नहीं रही, ये क्या बन गया, ये क्या मैं टूट पड़ी,
हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। भाई सन तो पता ही नहीं, सन तो टेंशन से मैं कि बेटे में न्यान किया अम्मी निका मर गई है, मैं तो भाई आप पागल, मैं मेरा जहन आप घूम गया, मैंने पता ही नहीं थी। शादी सी बाजार गया सर भाई मेरा, तो बच्ची तो भाई भैन मेरी, तो असी तो 5 बजे ना सानू 6:30 ना पता लगा है काम तो आया हाँ, तो मैं पता लगा मेरे बड़े बेटे ने कहा जी चाचू की बेटी ना छोटी फैल लग गए ने, मैं किस तरह बेटा उवें ही उन्हें मोटरसाइकिल फड़ी अगली बात नहीं उन्हें बताई, वो अस्पताल टोर गया। इन्होंने सरेआम फांसी होनी चाहिए फिर ही जो घूमता अपना जरा सानू तफत मिल सकता है, सानू जो इंसाफ मिल सकता है।